नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं वी नेशन। अगर किसी इंसान के जीवन में ज्ञान ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। एक ज्ञान ही ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं आज इतनी ज्ञान की बातें क्यों कर रही हूँ। तो आपको बता दूं कि आज इसी ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती का दिन है, जिसको हम सभी बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के आने की खुशी में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इसी दिन माता सरस्वती भी प्रकट हुई थी, इसलिए विशेष रूप से इस दिन पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। उत्तर भारत में इस दिन पीले कपड़े पहनने का बहुत महत्व है। लोग इस दिन पर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीली चीजें भगवान को अर्पित भी करते हैं। इसके अलावा इस दिन भारत में जगह जगह पर पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है, पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन से शुरू हुआ था, इसके बाद फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत आ पहुंचा। तब से भारत में हर साल बसंत पंचमी को मनाया जाता है। आपको एक दिलचस्प बात और बताते हैं, बसंत पंचमी के 40 दिन बाद ही होलिका दहन किया जाता है। इसी दिन होलिका दहन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक सार्वजनिक स्थान पर रख दिया जाता है, जिसको 40 दिन बाद जला दिया जाता है होलिका दहन के रूप में। यह अध्ययन अमेरिका के 500 से ज्यादा लोगों पर 3 साल तक किया गया। इसमें पता चला कि जो लोग पीले रंग के कपड़ों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनकी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास दूसरों के कंपैरिजन में काफी अधिक था। इस स्टडी में एक और बात सामने आई कि इन लोगों में अपने काम के साथ साथ खुद को हेल्दी रखने का भी ध्यान रखा। पीले रंग के बारे में एक और बात कही जाती है दोस्तों, कि अगर आप पीले रंग पर अपनी नजरें गड़ाए रखें तो यह तुरंत ही आपके मूड को बदलने की कैपेसिटी रखता है। इससे आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं, है ना कमाल का रंग है। तो आप भी माँ सरस्वती की पूजा करिए और पीला रंग पहनिए और अपने दिन को खुशियों से भर लीजिए। ये कुछ बातें हमने आपको आज से जुड़े हुए दिन के बारे में बताई, यानी कि बसंत पंचमी से रिलेटेड बातें हमने आपको बताई। ऐसे ही और दिलचस्प और तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन। मैं मेघा आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।